हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक वैकेंसी जो कि टेक्नीशियन की है और जो आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से। तो फ्रेंड, इसमें लगभग 600 प्लस वैकेंसीज हैं और ये फुल नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ आपको। वैकेंसी जो रहेगी वो टेक्नीशियंस की वैकेंसी है, पोस्ट है, और इसमें मैं आपको सारा नोटिफिकेशन बताऊंगा, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, अगर आप ऑनलाइन फ्री स्टडी से जुड़े रहेंगे तो इतने भी सारे जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको तुरंत मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है ऑनलाइन फ्री स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल का आइकन जो रहता है उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या नोटिफिकेशन जो होगा आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे। तो फ्रेंड एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ, उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, ये जो एप्लीकेशन जो है 1/7/2020 से जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। स्टेट जो दिया है जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC ST के लिए 700 रुपीज़ फ़ीस है। तो ये सारी जो है यहाँ पर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम भी अच्छा है, ठीक है, ओके। इसके बाद एज लिमिट की बात करें, 1 जनवरी 2020 से कैलकुलेट होगी। 18 से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर नहीं दे सकते एग्ज़ाम को, और 40 से ज़्यादा वाले, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन भी बताऊंगा मैं आपको आगे। और यहाँ पर 608 वैकेंसीज दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। हालांकि इसमें देखिए कलाई जो क्वालिफिकेशन है वो दिखा रहा है आपको, 10th हाई स्कूल, ठीक है, साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट, जो ITI हो आपकी, NCVT हो, ठीक है, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको और भी यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें आना होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पे, यहाँ पर आपको जाना होगा। ये जो है वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार का जो है ये हमारा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस खुल गया, हमें इसे कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर आएंगे आप, जैसे ऊपर जाएंगे इस पर, तो ऊपर ही आपको ये यहाँ पर 3 डॉट वाला जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करिए, क्लिक करेंगे जैसे ही आपको देखिए यहाँ पर ये जो है रिक्ति और परिणाम, रिक्रूटमेंट और रिजल्ट करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए ये पहला ही वाला जो है आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। टेक्नीशियन विद्युत के पद के लिए विज्ञापन AGVST, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको ओपन कर देता हूँ इस नोटिफिकेशन के लिए, ओके। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड किया था, ओके, तो इसको हम देख लेते हैं, ओके। तो फ्रेंड ये रहा नोटिफिकेशन, इसमें लिखा है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ का जो है विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ने जो है रिक्तियाँ निकाली हैं, ओके, और ग्रुप गा जो है उसके लिए जो है जी जो होती है ग्रुप जी के लिए उसके लिए जो है वैकेंसीज हैं। अब टोटल पोस्ट यहाँ पर जो एक पहले दिखा रहा था 608 वैकेंसीज दिखा रहा था, उससे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। देखिए यहाँ पर टोटल पद में दिखा देता हूँ, पोस्ट दिखा देता हूँ क्या होता है। देखिए जो अदर वेबसाइट्स रहती हैं उनमें अलग अलग चीज़ें दी हैं, लेकिन जो टोटल पोस्ट हैं वो 826 हैं, ठीक है। अनारक्षित, ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST और जो है OBC, और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर जो है सामान्य वर्ग, ठीक है, 60 जो है यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो टोटल मिलाकर 826 यानी 826 वैकेंसीज हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं हम यहाँ पर, ओके, नीचे यहाँ पर देखिए वेतन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। वेतन जो रहेगा देखिए ये लेवल 4 है, और ये कितना है, ये 27,200 न्यूनतम जो है स्तर का जो रहेगा आपकी पे स्किल रहेगी या कहें वेतन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यहाँ पर, तो ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। आवेदन आप देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा से विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्रों के लिए नामांकित ट्रेडों में से किसी का एक ट्रेड की द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी कि ITI जो हो, NCVT या SCVT दोनों में से एक होनी आवश्यक है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत जो है विद्युत वितरण जो है आपने किया है, तो यहाँ पर जो है आपको वैकेंसी मिलेगी, ओके। आयु जो रहेगी 18 का वर्ष से कम नहीं है, और दीक्षा जो रहेगी वो 40 वर्ष से है। बाकी यहाँ पर जो है छूट दे रखी है, तो वो आपको पता है यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो किस किस के लिए कैसे कैसे मिलता है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर,
ओके यहाँ पर शुल्क के बारे में लिखा है 700 रुपये लिखेंगे, जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए यहाँ पर 700 रुपये लिखेंगे, अन्य स्टेट के लिए जो लगेंगे वो 1000 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप यहाँ पर जो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो UPPCL.org पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, ठीक है, और जो है आप ऑनलाइन जो है अपना सारी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं। ओके ओके चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, CBT होगा के आधार पर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा, ठीक है, इतना दो भागों का होगा, जिसकी अवधि होगी 3 घंटे की, ठीक है। ओके पहला भाग जो होगा प्रथम भाग में लिखित परीक्षा NIELET, ठीक है, CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ जो होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो होगा वो आपको दिया जाएगा। अधिकतम जो है अंक होंगे 50 रहेंगे। प्रत्येक उत्तर गलत होने पर 1/4 यानी 0.25 जो है नंबर्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग का परीक्षण कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, और ये जो अन्यथा इसके अगर आप नहीं कर पाते तो आपको अभ्यर्थी को हटा दिया जाएगा, मतलब लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें कंप्यूटर में जितने भी आपने अंक प्राप्त किए हैं, अब इसमें कंप्यूटर में सेकेंड भाग जो होगा मेरिट लिस्ट में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन आपका जो Tier 2 होगा वो तभी होगा जब इसमें क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और द्वितीय भाग जो होगा Tier 2 बात करें इसकी, तो द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और 1/4 की यहाँ पर जो होगी ऋणात्मक यहाँ पर आपको यानी कि ये माइनसमार्क ही होगी। तो ये कि सेकंड वाले में आपको देखिए सामान्य दम तार्किक यानी कि रीजनिंग की बात करें 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक मिलेंगे। सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की होगी, 15 प्रश्न और 15 नंबर की ये होगी। अंग्रेजी आएगी, हाई स्कूल का स्तर है, ठीक है, और 15 क्वेश्चन है, 15 आपके पास नंबर मिलेंगे। ओके इसके बाद आएगी तकनीकी विषयक ज्ञान, ठीक है, तो ये 150 नंबर का होगा, जो आपकी तकनीकी यानी कि आपकी पोस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की है, तो 150 नंबर का जो है आपको इसमें से पेपर आएगा और ये 150 नंबर का अंक होंगे। तो कुल मिलाकर आपके 200 नंबर का जो होगा Tier 2 होगा, तो इसमें आप क्वालिफाई होते हैं चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा कम से कम 33.5%, ओके प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके सिंपल सी बात उन्होंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पर उपयुक्त अनुसार निर्धारित 200 अंक की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम जो है ज्येष्ठ यानी के ऊपर जो है सूची के रहेगा, जिसके द्वारा अप्रेंटिस जो है की गई यानी कि अप्रेंटिस होती है 1 साल की अप्रेंटिस होती है, ठीक है, आपने सुना होगा BHL वगैरह में होती है। यदि 1 से अधिक अप्रेंटिस के अभ्यर्थी पात्र हो तो उनकी उम्र जो होगी उसकी जो ज़्यादा जिसकी उम्र है उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में अन्य ऐसे बिंदु जिनका इस जो है मैं कोई उल्लेख नहीं है, उनका संबंध निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष यानी विद्युत सेवा आयोग प्राप्त उससे होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने सारी आई थिंक जानकारी आपको दे दी है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म करना है ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इसे पढ़कर आराम से भर सकते हैं फॉर्म। ओके तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपका 1/7/2020 से लेकर 22/7/2020 तक होगा। ओके नेट बैंकिंग जो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, और जो अंतिम जो रहेगी परीक्षा की संभावित अवधि, तो परीक्षा की संभावित अवधि होगी अगस्त में आपको बताई गई है 2020 में द्वितीय सप्ताह में, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का चालान जो रहेगा यहाँ पर देखिए ये है, और अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 24। देखिए अंतिम तिथि 22 है, लेकिन अगर आप चालान काटते तो चालान से भरते हैं तो 24 जो है हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक सारी चीज़ आपको बता दी हैं, तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और एक और चीज़ रह गई, ये मिस होने वाली थी लेकिन नहीं, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन जो है लगेगा इसमें, ठीक है, Tier 1 और Tier 2 दोनों में। तो फ्रेंड्स तो अभी वो हो गया, आई थिंक ये नोटिफिकेशन जो है पूर्ण हो गया, पूरा हो चुका है। तो ये वीडियो जो है आई थिंक आपको हेल्प करी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।